अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू नसरीन ईट चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ चिकन कढ़ाई गोश्त की रेसिपी। और यहाँ मैंने चिकन को 2 किलो चिकन थी जिसको धोकर खुश करके अच्छे से रख लिया था। अब मैं इसमें मसाला लगाकर इसको आधे घंटे के लिए रेस्ट पे छोड़ दूँगी। मैंने यहाँ 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर काली मिर्चें, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर और 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च कलर के लिए और 1 शान का कढ़ाई मसाला इन सब, और 1 टेबल स्पून मैंने नमक शामिल किया था। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग शामिल कीजिएगा। इन सब चीज़ों को आपने लगाकर चिकन को रेस्ट पे छोड़ देना है आधे से 1 घंटे के लिए, ताकि चिकन जो है वो हमारी सॉफ्ट और जूसी बने। यहाँ मैंने 1/2 kg टमाटर लिए थे जिनको रफली कट कर लिया था। उसके बाद मैंने 3 से 4 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल शामिल करके टमाटर शामिल कर दिए थे। इसको ढककर 15 मिनट के लिए मैं कवर कर दूंगी ताकि हमारे टमाटर जो है वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। टमाटर हमारे 15 मिनट के बाद तकरीबन सॉफ्ट हो चुके हैं, अच्छे से गल गए हैं। इसका पानी मैंने खुश कर लिया था। अब मैंने यहाँ पे 1.5 कप कुकिंग ऑयल लिया है। ऑयल को आपने बहुत अच्छे से गर्म कर लेना है। इसमें मैंने 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करा है। अब मैंने इसके अच्छे से बुनाई कर ली। उसके बाद मैं इसमें चिकन शामिल कर दूंगी। फ्लेम हाई करके आपने चिकन की अच्छे से बुनाई करनी है ताकि चिकन जो है अपना पानी छोड़ दे, और इसको ढक के 15 मिनट के लिए कवर कर देना है। 15 मिनट के बाद चिकन हमारी अच्छे से भुन चुकी है और चिकन ने बहुत ज़्यादा पानी भी छोड़ दिया है। इस स्टेज पर मैं इसमें शामिल कर दूंगी टमाटर जो हमने गला कर रखे थे। अब इन सब चीज़ों को आपने अच्छे से मिक्स करके 15 से 20 मिनट तक लो फ्लेम पर कुक करना है ताकि चिकन जो है वो हमारी अच्छे से गल जाए। 15 से 20 मिनट हो चुके हैं, चिकन हमारा अच्छे से गल गया है और मसाला भी अच्छे से भुन गया है, ये देखिए। अब मैंने यहाँ पे 4 से 5 अदद मोटी हरी मिर्चें शामिल कर दी हैं और थोड़ा सा हरा धनिया, और 5 मिनट में इसको मज़ीद कवर कर दूँगी। चिकन कढ़ाई गोश्त रेडी है। उम्मीद करती हूँ कि आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और नसरीन चैनल को सब्सक्राइब करें। आई वेट फॉर फीडबैक। अल्लाह हाफिज़।